नमस्कार, अब केवल 3,000 रुपए में जिंदगी भर बनाए रसोई गैस। गोबर गैस से कई समस्याओं का निदान किया जा सकता है, लेकिन दुख की बात है कि इस पर सरकार और आम जनता ध्यान नहीं दे रही है। गोबर गैस को ऊर्जा के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। अभी हाल ही में कर्नाटक के राजू मुदिगिरी ने गोबर गैस की मदद से कुकिंग गैस की समस्या को दूर करने की कोशिश की है। महज 3,000 रुपए खर्च करके रसोई घर में 4 से 5 घंटे की गैस सप्लाई मिल सकती है। आइए आपको गोबर गैस से जुड़ी बातों को समझाते हैं। कम लागत में बेहतरीन खोज पेशे से पशु चिकित्सक राजू मुदिगिरी को बचपन से कुछ अलग करने की ललक थी। इसी ललक में उन्होंने एक अनोखा गोबर गैस प्लांट डिजाइन कर दिया। हालांकि इसकी लागत महज 3,000 रुपए की है, इसकी कई और खासियत है। इसे प्लास्टिक की शीट से बनाया गया है। इसकी लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 250 मिलीमीटर है। इसमें 2 पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। कैसे करता है काम? गोबर पानी के मिश्रण को पाइप के अंदर डाला जाता है। 1 घंटे के बाद मीथेन गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है, जो 4 घंटों तक चालू रहता है। इस प्रक्रिया में बनने वाली मीथेन गैस का इस्तेमाल करके घर का खाना पकाया जा सकता है। श्री कृष्ण राजू के मुताबिक बायोगैस के किसी अन्य प्लांट के निर्माण में केवल 20,000 रुपए की आवश्यकता होती है, जिसमें वार्षिक मेंटेनेंस लागत भी शामिल होती है, पर यह काफी सस्ती है और इसका संचालन काफी आसान। एक बार संस्थापित करने के बाद इसे 5 से 6 वर्षों तक चालू रखा जा सकता है। श्री कृष्ण राजू कहते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य वन की रक्षा करना है। यदि घर RCC निर्मित हो तो इस यूनिट को घर के छत पर रखा जा सकता है। उन्होंने इसे डारा डहली के DN वीरेंद्र गौड़ा की छत पर स्थापित किया है। उन्हें अपने गौशाले के गोबर से प्रतिदिन 5 घंटे का बायोगैस ईंधन प्राप्त हो जाता है। गैस का इस्तेमाल करने के बाद गाद का उपयोग खाद के रूप में कर लिया जाता है। इस बारे में विशेष जानकारी के लिए श्री कृष्ण राजू से इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर डिस्कशन में दिया गया है। मोबाइल 9448073711।